ठीक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह से डिलीट मैसेज को आप कैसे रीड कर सकते हैं। वो हालांकि अगर बात करें YouTube पर, इसके सोल्यूशन के लिए काफी सारी वीडियोज देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि प्ले स्टोर पर भी बहुत सारे एप्लीकेशन दावा करती हैं कि हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि डिलीट मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज की इस वीडियो में। सारा कुछ है, सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों यार। बस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं अपना टेक्निक राजकुमार। तो दोस्तों, यूट्यूब टिप्स या टेक्निक क्वेश्चन से परेशान तो दीजिए इस चैनल पर ध्यान। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है सुझाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे व्हाट्सएप पर जो मैसेज आपको डिलीट हो गया उसे रीड करने की। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो दावा करेंगे कि आपके व्हाट्सएप पर जो मैसेज है उसे डिलीट कर दिया गया और आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो आपके डिलीट मैसेज को रिकवर कर सके। क्योंकि होता क्या कि सामने वाला डिलीट कर देता है तो यहाँ पे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। बस होता क्या कि जैसे ही अगर इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसे आप यहाँ से एप्लीकेशन सेव कर लेता है एंड यहाँ से आप जो उसको आके रीड कर सकते हैं। यही होता है। इसके लिए दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट डाटा लिवेज ऑन होना चाहिए एंड इसका नोटिफिकेशन भी ऑन होना चाहिए। अगर बात करें रिकवर की तो जो मैसेज डिलीट कर दिया गया उसको रिकवर कर ले तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई एप्लीकेशन या ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। ना व्हाट्सएप में ऐसा कोई सेटिंग है जिसे आप जो है यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अब से कोई नया मैसेज आता है तो उसे आप डिलीट कर देगा तो उसे आप जो है दोबारा से रीड कर सकते हैं। बस उसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको फोन की सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर देंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री सर्च कर लेंगे, इसके ऊपर टाइप करते हैं दोस्तों। अभी आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऐप सेटिंग ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को सिलेक्ट करके इसे इनेबल कर लेना होगा। बैक करेंगे देन यहाँ पे आप जो है नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऊपर टाइप करके यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। अब क्या होगा कि दोस्तों जब भी कोई भी मैसेज आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन में आता है एंड आप रीड कर लेते हैं एंड यहाँ सामने वाला उसे अगर डिलीट कर देता है तो आप कभी भी यहाँ से आपके जो है नोटिफिकेशन जो हिस्ट्री है सेव हो जाएगी एंड आप जो यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। जब आप बस यही एक तरीका है जो डिलीट नोटिफिकेशन मैसेज को यहाँ से रीड कर सकते हैं। और बात रही जो आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी कि आप जो है WhatsApp के डिलीट मैसेज को रिकवर कर सकेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। बस अगर आप बात करेंगे तो वो सारी फेक वीडियोज है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं ऐसा करने के लिए तो वो भी आपके लिए बेकार है। यही से एक तरीका है, एक सोल्यूशन है जिससे आप जो है डिलीट नोटिफिकेशन मैसेज को रीड कर सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।